हेलो दोस्तों, आप सबके लिए एक नए एप्लीकेशन का रिव्यूज़ लेके हैं जिसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट एक ऑनलाइन ग्रोसरी ऐप है जिससे आप घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। इसका देखिए रिव्यूज़ 4.5 है, 8 MB का एप्लीकेशन है, 10 मिलियन डाउनलोड है। अबाउट दिस ऐप, ऐप के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये देखिए डाटा सेफ्टी के बारे में दिया गया, नो डाटा कलेक्ट, नो थर्ड पार्टी शेयर, सब चीज़ इसमें बताई गई है, आप देख सकते हैं। जब तक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी के मालिक राधा कृष्ण दमानी और इसकी शुरुआत पवई के एक छोटे से स्टोर से हुई थी जो आज पूरे भारत में 200 प्लस स्टोर के साथ $1.5 मिलियन पे कंपनी की वैल्यूएशन चल रही है। कंपनी में लगभग 10,000 इम्प्लॉय परमानेंट जॉब पर काम करते हैं। चलिए अब आगे, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होने के बाद हम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमें लोकेशन मांग रहा है। हम अपने एरिया का पिन कोड नंबर इंटर करेंगे। पिन कोड नंबर इंटर करते ही एरिया के साथ डिटेल आ जाएगी। उसके बाद होम डिलीवरी सेल्फ डिलीवरी दोनों ऑप्शन देता है, उसके हिसाब से हम उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद हमारा एप्लीकेशन इस तरह ओपन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल हमें कैसे क्रिएट करनी है ये अब हम देखते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या डिटेल देनी पड़ेगी, सब वन बाई वन स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये राइट साइड का जो लोगो है, लोगो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन देगा मोबाइल नंबर से हमें लॉगिन करने के लिए। मोबाइल नंबर डालेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद सेव द कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एक OTP आएगा, उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारी प्रोफाइल कुछ इस तरह बन के आ जाएगी। उसके बाद माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे, प्रोफाइल के फिर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ईमेल आईडी का ऑप्शन दे रहा है, हम ईमेल आईडी भरेंगे और उसके बाद सेव द कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एड्रेस बुक पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू एड्रेस पर फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद करंट लोकेशन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो परफेक्ट एड्रेस जिसमें हम अपना नाम, फ्लैट नंबर, हाउस नंबर जो भी है, और उसके बाद विंग, लैंडमार्क, सिटी, पिन कोड सब सेलेक्ट करने के बाद सेव द कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। हमारी प्रोफाइल बन जाने के बाद कुछ इस तरह हमारा होम पेज डिस्प्ले करेगा जिसे हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए इधर दिया गया ड्रेयरी, फ्रूट, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, बेबी केयर, अप्लायंस, उसके हिसाब से हम चूज कर सकते हैं। सिलेक्ट फुटवेयर, क्लोथिंग, सब वन बाय वन स्टेप दिया गया, स्क्रॉल करके हम पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर और कुछ देखना है तो हम उसको देख सकते हैं। आगे पीछे करके सब डिस्प्ले वन बाय वन स्टेप होता है, क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस में है और कैसे लेना है, वो सब मैं आपको आगे वन बाय वन स्टेप में बताता हूँ। नियर अबाउट पिकअप पॉइंट चेक करने के लिए पिकअप पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पिन कोड का ऑप्शन दे रहा है, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद हम फाइंड सर्च करेंगे, जो भी हमारे एरिया में उनका पिकअप पॉइंट होगा सब वन बाय वन स्टेप यहाँ लिस्ट आ जाएगी। आप उसे देख कर उसमें से आपको कौन से पिकअप पॉइंट से माल मंगवाना है वो उस पर आप सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जिसका नाम है टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी रिफंडेबल। सब इसमें दिया गया है, आप इसे पूरा डिटेल में दिए गए हर चीज़ को वन बाय वन स्टेप पढ़िए और उसके बाद समझकर ही शॉपिंग करिए। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे, कॉन्टेक्ट अबाउट अस, ये कंपनी का डिटेल दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। CIN नंबर है, कंपनी एड्रेस है, कंपनी का नाम एवेन्यू ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है। चलिए हम आपको आगे शॉपिंग करके बताते हैं कि शॉपिंग इस पर कैसे करते हैं। देखिए हमने एक प्रोडक्ट को क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे। ऐड टू कार्ट में 217 रुपये का प्रोडक्ट है, हमने इसको क्लिक किया। इसे अगर हम परचेज करना चाहें तो चेकआउट नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम ऑर्डर 500 का लगा सकते हैं, तो इसके लिए हमें और नेक्स्ट शॉपिंग करनी पड़ेगी और उसे हमें बढ़ाकर फिर 500 पूरा करने के बाद ही हम शॉपिंग के लिए ऐड टू परचेज पे हम क्लिक कर सकते हैं। हमने और प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया। ऐड टू कार्ट करने के बाद देखिए अब हमारा ऑप्शन ओपन हो रहा है, यहाँ ब्लू लिंक दे रहा है कि आप हम परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद हमें होम डिलीवरी दे रहा है और पिकअप पॉइंट दे रहा है कि हम खुद पिक करेंगे या मंगाएंगे। तो मंगाने के लिए हमें यहाँ 49 रुपये उसको डिलीवरी चार्ज देना होगा, तो अगर हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर परफेक्ट एड्रेस बताना होगा, जो हमारा एड्रेस हमने वहाँ फिल किया उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म एड्रेस उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ ये लिख रहा है कि कल सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे के बाद आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोसेस टू पे का पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दे रहा है कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट ऑप्शन, तो अगर हम पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या क्या ऑप्शन पे करने के लिए मिल सकता है, इस सबसे पहले हम ये देखते हैं। यहाँ क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, अगर इससे किसी से भी करना है तो हम पे नाउ पे क्लिक करके सेलेक्ट करने के बाद और उसका हम डिटेल फिल करके
पे प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। अगर नहीं तो हम कैश ऑन डिलीवरी पे जाते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करने के बाद ऑर्डर कन्फर्म कर देंगे। ऑर्डर कन्फर्म करने के बाद हमारा देखिए ऑर्डर कन्फर्म हो गया। ऑर्डर कन्फर्म होने के बाद हमारा यहाँ वॉइस ऑर्डर चेक कर सकते हैं, कंटिन्यू शॉपिंग भी क्लिक कर सकते हैं। हम जो चाहें वो देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। नीड हेल्प, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, एड्रेस करेक्ट करना है या और कुछ, या बिलिंग के लिए इशू हमें हो रहा है, जो भी डिटेल हमें तकलीफ हो रही है, यहाँ हम उसे ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे हेल्प ले सकते हैं कंपनी से। अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो माई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ कैंसिल का ऑर्डर ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन दे रहा है जो हमें अच्छा लगे, वो ऑप्शन चूज करने के बाद हम वहाँ सबमिट कर देंगे। इस तरह हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। देखिए हमारे पास मैसेज आ गया कि ऑर्डर हमारा कैंसिल हो गया है। इस पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।